हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है तेरा भाई सिखाएगा ना, जो नहीं आएगा तुझे बताएगा ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सल लैब ऐप के बारे में, जो बहुत ही अच्छा ऐप है, प्ले स्टोर पर फ्री है, जिसके थ्रू आप कई सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसमें कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास लैपटॉप पीसी नहीं होती है, जिसके थ्रू वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर पाते हैं। बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप और पीसी हो, आपके पास मोबाइल है, आप उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ पिक्सल लैब ऐप के बारे में। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलिए मत। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो हम जाएंगे पिक्सल लैब ऐप में। ये प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल भी फ्री मिल जाएगा। हम अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम पिक्सल लैब के इंटरफेस पे। तो सबसे पहले आता है हमारा थीम। ये जो आपको साइड में दिख रहा है डिफ़ॉल्ट थीम, इससे आप कई सारे थीम आप चूज़ कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली आप कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे ए पे। ए हमारा जो टेक्स्ट का रहता है उस पर वर्क होता है, टेक्स्ट के काम इसमें होते हैं। जैसे कि अभी मैं इधर कुछ लिख दूं, आपको कॉर्नर में टी एंड छोटा टी दिख रहा रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो अल्फ़ाबेट है वो बड़े हो जाएंगे, आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक ट्रिक है, आप चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं। हम ओके कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं ए पे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद ये वही इंटरफेस ओपन होता है, आप इधर से डिलीट कर सकते हैं, कॉपी इन फ्रंट पे, आपको फ्रंट या बैक, यानी समझ लीजिए इसके ऊपर कोई लेयर है तो आपको लेयर के ऊपर लेना है टेक्स्ट को तो फ्रंट कर सकते हैं, या फिर लेयर के नीचे लेना है तो बैक कर सकते हैं। पोजीशन पे आप जाएंगे तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे मूवमेंट कितनी स्पीड में होना चाहिए आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम कैंसिल कर रहे हैं इसको। रिलेवेंट पोजीशन, यानी आपको अगर समझ लीजिए बीच में लेना है, यानी सेंटर में लेना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। आपको ऊपर लेना है, आप इस पर क्लिक कीजिए आ जाएगा। लेफ्ट साइड में लेना है, या फिर राइट साइड में, या फिर नीचे लेना है। यह है टेक्स्ट साइज, इससे आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे जितना आपको मर्जी हो। हम कलर पे जाएंगे, कलर चूज़ करेंगे, जो कलर आपको चाहिए आप कलर ले सकते हैं, या फिर आपको ग्रेडियंट चाहिए ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप ग्रेडियंट चूज़ करके उसे ओके करेंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, या फिर कलर पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। फिर हम नीचे आते हैं टेक्सचर। टेक्सचर आपको चूज़ करना पड़ेगा क्या टेक्सचर इसमें देना है, जो भी आपके पास टेक्सचर्स रहेंगे। ओपासिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसको दिखाना है कितना दिखा सकते हैं हम, हल्का दिखाना है या ज़्यादा दिखाना है वो कर सकते हैं हम। इफेक्ट शेडो भी कर सकते हैं हम इसको, ये देखिए। फिर हम आते हैं रोटेट पे। रोटेट यानी आप कितना इसको घुमाना चाहते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं, कैसे क्या रोटेट करना चाहते हैं, आप इधर से रोटेट कर सकते हैं। फिर आते हैं मास्क पे, इसको इनेबल करेंगे, आपको जो हिस्सा दिखाना है उस पे से आपको एक तरह का मास्क क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये क्रिएट कर दिया है। ये खास करके जब आपको लोगो बनाना रहता है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल होता है आपके लिए, लोगों के लिए। आप अच्छा सा अच्छा लोगो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम अंडू कर रहे हैं, मास्क हो गया हमारा। हम जाते हैं फॉन्ट पे। आप इनबिल्ट इसमें फॉन्ट होते हैं,
आप चाहिए तो इधर जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो फाइल रहेगी, जो भी आपके फॉन्ट रहेंगे, आप इधर से इंस्टॉल कर सकते हैं पिक्सल लैब में। बिट स्टाइल इसको बोल्ड करना है, लैटिन करना है, या फिर इसके अंडरलाइन करना है, आप इधर कर सकते हैं। इसको कर्व देना है, यानी आपको कितना इसको राउंड शेप में देना, हल्का राउंड टाइप होता है ये देखिए, आप कर्व दे सकते हैं इधर। आपको अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। ये आपको सेंटर में चाहिए या आपका कोई पैराग्राफ रहेगा तो जाके ये आपको काम में आएगा। स्पेसिंग आपको समझ लीजिए कम ज़्यादा करना है, टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको कम ज़्यादा करना है तो आप ये कर सकते हैं। लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, यानी फिर ये दो वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में अगर स्पेस देना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्ड के बीच में। हमने एक और टेक्स्ट इसमें ऐड कर लिया है। अब लाइन स्पेसिंग ये होता है कि अभी समझ लीजिए इसको अप डाउन करना है, ये देखिए, यानी दो सेंटेंस के बीच में, दो वर्ड्स के बीच, मतलब दो लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्रोक यानी आप समझ लीजिए अभी ये तेरा भाई सिखाएगा ना, उस पर लिखा है, उसके जो रेड में था उसके आजू बाजू में हमें को कौन सा कलर चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, वो हम स्ट्रोक बोलते हैं इसे। आपको ये सब चीज़ें फोटोशॉप में भी मिल सकती हैं। फिर आएंगे शेडो में, आप शेडो पे क्लिक करेंगे तो आप शेडो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कितना रेडियस चाहिए, कितना क्या चाहिए, ओपेसिटी कम करना है, आप कर सकते हैं इसमें। शेडो को बताया आइनर शेडो, यानी इस जो टेक्स्ट हमारा लिखा है उसके अंदर आपको शेडो देना है, ये देखिए आइनर शेडो, यानी इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर शेडो होगा। एम्बॉस, ये लाइटिंग का काम करता है। अभी देखिए इसे, आपको एक शाइन दिख के आएगा, यानी आप कोई लोगो बना रहे तो कहाँ से लाइट शो करनी चाहिए, कहाँ से डार्कनेस आना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें। आप कितना वैल्यू क्या रखना चाहिए आप उस टाइम पे ऐड करके आप देख सकते हैं। 3D रोटेट, यानी आप 3D रोटेट कर सकते हैं, यानी मुझे ऐसा चाहिए या फिर ऐसा चाहिए। आप इसे पिक्स के साथ भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 3D टेक्स्ट, थ्री शेडो, ऐसा लगेगा कि इसके नीचे कुछ, नीचे ऊपर से लाइट पड़ रही है इसकी वजह से ये शेडो दिख के आएगा। रिफ्लेक्शन, यानी इसका रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिख के आएगा। ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट का। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जहाँ से आप स्टिकर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको ये स्टिकर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इमोजीज चाहिए, आप इमोजीज ले सकते हैं। आपको कोई पिक इंपोर्ट करना है, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट पे जाके इधर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इधर एडिटिंग साइज सेम वही है, सब कुछ वही है, बस इसमें एक आ जाता है इरेज कलर,
इसमें आप क्लिक करेंगे, समझ लीजिए वाइट बैकग्राउंड है। अभी मुझे ये ब्लू हटाना है इसमें से, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, ये पिक कर लिया कलर। अभी देखिए इसने कलर को हटा दिया है, यानी बैकग्राउंड हटाने के लिए काम में आता है। बाकी सब सेम है, आप चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉक का ऑप्शन आएगा, जिससे कि आप कोई भी काम करेंगे तो फिर ये हिलेगा नहीं। आपका जो ये इमेज है ये अभी हिल रहा नहीं है, अगर लॉक से हटा दूँ मैं तो फिर ये हिलना शुरू कर देगा, यानी आप कहीं से भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, इसको सेंटर में लेना है, कैसे करना है इस पर क्लिक करके कर सकते हैं हम, और रोटेट करना है या फिर फ्रंट पे लेना है या फिर बैक पे लेना है लेयर के, वो कर सकते हैं। या फिर हमको शो ही नहीं करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और डिलीट करना है तो डिलीट। अगर समझ लीजिए मुझे ये लेयर है इसके ऊपर मेरे को टेक्स्ट चाहिए, तो हम लेयर को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट इसके ऊपर शो होगा। लेकिन अगर ये समझ लीजिए अभी ये जो इमेज है इसको ऊपर शो करना है, टेक्स्ट को नीचे शो करना है, तो हम ड्रैग करेंगे, प्रेस करके ड्रैग करेंगे ऊपर, जिसके थ्रू ये देखिए टेक्स्ट इसके नीचे हो गया। इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप समझ लीजिए ये दोनों क्लिक करने के बाद ये मर्ज, यानी दोनों एक इमेज में हो जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे फिर वही ऑप्शंस आते हैं, ये पैनल को हटाना है, फिर से इधर क्लिक कर देंगे आप पैनल हट जाएगा। ये थोड़ा बहुत फोटोशॉप की तरह है, इसलिए मेरे को ये ऐप बहुत पसंद है, इस पर काम आसान हो जाता है। अब आते हैं ड्रॉ पे, आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको ड्रॉ करना है, स्मूथनेस कितनी चाहिए ये फिर आप डिसाइड करके इस पर वर्क कर सकते हैं। फिर आता है शैडो, तो मैं ये सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर आता है हमारा शेप, शेप से हम कोई भी शेप ले सकते हैं, राउंड या फिर कोई भी हम शेप ले सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओपेसिटी आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ग्रेडियंट अगर नया बनाना है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, अगर समझ लीजिए मुझे ब्लैक की जगह पे कोई और कलर चाहिए तो हम ब्लैक के इस पर क्लिक करेंगे एंड कलर पे जाएंगे, एंड हम कोई भी कलर पिक करेंगे, कोई भी कलर पिक करेंगे, और ये ब्लैक है तो हम इधर रिड्यूस करेंगे, इधर करने के बाद ये हो गया, एंड ओके करेंगे। फिर से प्लस पर जाएंगे, हमको कौन सी शेप में चाहिए, सर्कल केस में चाहिए या फिर साइड से शो करें, आप चाहे तो आप इसे घुमा भी सकते हैं खुद से मैनुअली, ऐसा नहीं कुछ, ये देखें। एक अच्छा शेप बन चुका है ये, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ। सेम प्रोसीजर वही है, आपको 3D शेप चाहिए तो 3D भी कर सकते हैं आप रोटेट करके, कहाँ रोटेट करना है। अब आते हैं हम चौथे ऑप्शन पे, जिधर आप बैकग्राउंड का कलर चूज़ करेंगे। आपको अगर बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए ब्लैक ले सकते हैं, रेड चाहिए डार्क रेड चाहिए, आपको जो कलर चाहिए आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट चाहिए आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्लस करेंगे। फिर अगर आपको समझ लीजिए PNG क्रिएट करना है तो आपका ये शेप होना चाहिए जहाँ आपको सेट करना है, फिर आपको ट्रांसपेरेंट करके फिर उसको सेव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो ये शेप है वो PNG में सेव हो। अगर आपने बैकग्राउंड लेके किया तो वो इमेज में होगा, JPG में होगा, जिससे आपका कोई भी इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, PNG नहीं होगा। आप इमेज की साइज़ इधर बड़ी इमेज मतलब आपका जो बैकग्राउंड है आप छोटा बड़ा आपका जो भी साइज़ रहेगा, स्क्वायर में करना है या फिर थंबनेल में करना है, फेसबुक आर्ट कवर में, यानी जो फेसबुक का जो कवर होता है वो साइज़ में चाहिए, आप क्लिक करेंगे तो वो साइज़ में कवर मिल जाएगा।
साइज चेंज कर सकते हैं, इमेज इंपोर्ट करना है यानी बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज चाहिए, बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए या फिर टेक्स्चर चाहिए आप उसे ले सकते हैं, या फिर गैलरी अपनी खुद की गैलरी से भी आप उसे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए इसे मैंने चूज़ किया, सेट किया, अब ये देखिए ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। आप चाहे तो कोई फ़ोटो भी अपने कैमरे से क्लिक करके ले सकते हैं। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड हो गया। अब दोस्तों बात आती है सेव करने की, बैकग्राउंड में कोई और चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके अब मेरे को सेव करना है इसे, सेव के लिए आप इधर क्लिक करेंगे और शेयरिंग के लिए इधर क्लिक करेंगे। आप शेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं, शेफ पे भी क्लिक कर सकते हैं। शेफ में आपको प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं या फिर इमेज सेव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट यानी आप जो भी काम करेंगे तो उसका प्रोजेक्ट बन जाएगा, जैसे तो आप फिर से यही पूरे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते रहेंगे तो फिर से उस पर काम कर सकते हैं, या फिर काम हो गया रहेगा आपको तो आप इस पर सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। आप इस पर JPG कर सकते हैं, नॉट ट्रांसपेरेंट रहेगा, और PNG यानी ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप इसमें हाई क्वालिटी, अल्टर, वेरी हाई, मीडियम, लो क्वालिटी के आप इमेजेस सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझा रहेगा कि पिक्सल लैब किस तरह से यूज़ करते हैं बेसिक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि पिक्सल लैब से आप लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको जानना है, आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। तो दोस्तों मैं वो वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।